देखो ये आपका सवाल ठीक नहीं है। माशाल्लाह बहुत काबिले रिस्पेक्ट हमारी बहन भी बैठी हुई थी, क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो देखो खामोश नहीं होना चाहिए उधर, उसको बोलना चाहिए भाई इसका सवाल का कोई जवाब ही नहीं बनता, आप ऐसा सवाल कैसे इधर से कर सकते हो। मेरा वकील है, मैं जान से भी ज्यादा इसका इज्जत करता हूँ, पूरी दुनिया करते है माशाल्लाह। यार एक दूसरे के दिलों में बिगाड़ नहीं फैलाओ, खुदा को मानो, किसी का मसला हल नहीं कर सकते हो तो किसी को बिगाड़ रहे हो क्यों। हमें कोई लाइव में या चैनल पे आप पे आएगी या किसी और पे जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चों का केस है, हर इंसान को फर्ज है, अगर वो अपना दीन ईमान सच्चा समझ के कह रहे, अल्लाह को हाजिर नाजर कह के कह रहे कि यार मुझे कोई बुग्ज या मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, वो खुलेआम कर सकते हैं। बच्चों का केस है, इंसानियत का केस है सबसे बड़ा। तो देखो लोग हमारे साथ, कितनी माए बहने बेटियां, कितने लोग खड़े हुए हैं, तो यार ऐसे अल्फाज बोलना, एक एडुकेट आपको समझ रहे मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ये मुझे अच्छा देव देता है या नहीं देता, खुदा की कसम मुझे कुछ शर्म आया इसकी बात सुन करके। देखो मैंने कल मोमेंट सर को जैसे मैंने भला बुरा कहा, क्यों मैं कहूंगा यार। तो मैंने आपको बोला, आपने पूरी दुनिया सुना लाइव, सबको हटाकर इसका सवाल यही था कि ये तो अपने वकील को ही जुर्मदार कर रहा है, मेरा ऐसा सवाल तो नहीं था बिल्कुल भी। किसी को परेशान नहीं है, कोई भी जाती मुफाद के लिए हमें यूज करके बच्चों का नाम लेकर आगे किस लिए आ रहे हो भाई, आपका जाती जंग है, आप उनसे खुद लड़ो। हमारा नाम इस्तेमाल करके मोमेंट सर को मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, और मोमेंट मलिक साहब को क्या कह रहा था कि उसको कटकटेरे में खड़ा किया, जुर्म जैसे जुर्म किया भाई उसने, भाई जुर्म क्यों किया, हमने खुद चुना ना, आपने फयाज ने चुना, मोमेंट मलिक साहब को किसने चुना, हमने चुना खुद, आप थे सबका। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, यकीन मानो मैं बिल्कुल लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मगर मुझे पता चलता है ये बंदा क्या बोल रहे है, आगे ये क्या कहना चाह रहे। मोमेंट सर को मैं यही सवाल कर रहा था, एक ये सही कहा या गलत कहा उसने, हमारे ईमानदारी अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, मुझे किसी से ना बुगुज है ना कोई, सब काबिले रिस्पेक्ट है। जब फयाज भाई ने माफी मांगा, हमने शो ही नहीं किया, मांगा नहीं मांगा कोई बात नहीं, हम दिल से ही माफ कर देते हैं, मगर एक दिल में बुग्ज रख कर सवाल करना भाई, मेरा सर है, मेरा एडुकेट है, मैं उसको 10 सवाल भी कर सकता हूँ, तो मेरा लीगली हक बनते है बच्चों के लिए। इसमें दूसरा रवैया देना, इसमें तो आके मुजुर्म ठहरा दिया अपने वकील को। यार ये समझदार भी है माशाल्लाह, एक अच्छी एडुकेट है, उनके बावजूद भी ऐसा कोई फर्ज बनता है सवाल करना। आप भाई बिल्कुल खुश रहिएगा, मेरा एक सवाल था, मोमेंट सर भी बैठा हुए, आप भी मौजूद हो, कल मैंने एक लाइव किया था उसके बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जी जी हैदर भी बात करें। देखो हमारे सब काबिले रिस्पेक्ट है, मैं दुख दर्द शेयर करने के लिए अपना जो है मसीहा है समझो, मोमेंट मलिक साहब, मैंने कल किया भी है और बोला है, जैसे लोग कह रहे थे वो मैंने बात अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखी है यूट्यूब में, तो मेरी जैसे मैंने बात रखी उनके मसल बाद जो लाइव शुरू होना हो गए, तो आपने खुद देखा कोई किस रवैये से उसको लेके जाना चाह रहा है, कोई किस तरीके से लेके जाना चाह रहा है, वो खुद समझ सकते हैं। मैं किसी से डरता हूँ, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, कल जो केस भाई के साथ फयाज रामी जो बैठा हुआ था बोलता है ये तो अपने वकील को आके कटकटरे में खड़ा किया, भाई क्यों, मैं किसी को क्यों कटकटरे में खड़ा करूंगा, मैं एक बाप हूँ, एक जुल्म का पिसा हुआ हूँ, मैं सवाल कर सकता हूँ, उनको पता नहीं है क्या जलन है, कैसी बातें करता है, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या वजह है। पहले केस भाई का आपने रिस्पेक्ट है, अच्छा है बात करते हैं, जो गलत है आप उसको मुंह पे गलत बोलो, लाइफ में बोलो कि ये गलत है, तब देखो इंसानियत का केस है, चार बच्चों की केस है, मोमेंट सर को पूरी दुनिया मानते हैं, अल्लाह अल्लाह रसूल के बाद जो है मसीहा हमें अंतर पनी साहब ने दिया, सब काबिले रिस्पेक्ट है, मैं किसी को भी गाली नहीं देता, मगर देखो एक बोझ होता है दिल के अंदर, वो रखकर आप लाइफ में भी आ रहे हो, बच्चों की बात भी कर रहे हो और भुला भरा भी कर रहे हो, मुझे भी नीचे दिखा रहे हो, ये कौन सी इंसानियत का केस आप लड़ रहे हो, यूट्यूब में कह रहे हैं कि आके हम तो कर रहे हैं, एहसान भी मेरे ऊपर जता रहे हैं और जो है लोगों से लोगों को मेरा ही खिलाफ कर रहे हैं, मोमेंट सर का भी खिलाफ कर रहे हैं, इन लोगों का आने का मकसद तो नहीं बनता ना कोई भी, करना चाहिए। देखो आप लाइव नहीं आ रहे हो, अल्लाह को खुश रखे अपनी फैमिली के साथ, घर के साथ ना खाए वो कर दो, मगर ये सवाल बनने का कोई दुख था, जैसे हमारे को और मोमेंट मलिक साहब को दोनों के दिल में ये बोझ डाल रहा था ना, ऐसा बंदा किस काम का है, ये जो 10 लाइव भी करते हैं उसका फायदा तो नहीं हुआ ना, ये तो लोगों को खिलाफ कर रहे हैं, बात तो नहीं दे रहा हमारा, लोगों को मुंह पे बोलना चाहिए, लाइव में बोलना चाहिए भाई, ऐसा बात आप रख रहे हो तो आप जाके खुद अपने चैनल पे करो, हमारे साथ ऐसा नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल,
मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने लाइव में बैठ के पूरा साल झूठ लोगों ने फैलाया, गुमराह किया, गुलाम हैदर को फलां जगह से फोन आ गया, गुलाम हैदर को वीजा मिल गया। कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुसलमान लेकर देखो एक जेदो जेद कर रहे हैं, बहुत सारी माए बहने बेटिया इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते तो बुरा रास्ता क्यों दिखा रहे? आप कम से कम खामोश हो जाओ, आपको नहीं आना है तो मत आओ। अगर आ रहे हो अच्छा बात आप कर सकते हो बच्चों के लिए, अगर आपके मुंह में कुछ अल्फाज आपके दिल में है आप आके बयान करो। अगर जाति कोई दुश्मनी है ज्यादा जो इंसान है यार, मैं आपको अपना सबको भाई बहनों को फैमिली मेंबर समझता हूँ, सबको अपना समझता हूँ, अजीज समझता हूँ। इसलिए दुख दर्द जो तकलीफ होता है वो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। तो लोगों को कुछ बुरा लगता है कि यार ये तो अच्छा कर रहे हैं मोमन सर, ये इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, मना उसके अल्फाज को सारी अच्छाई छोड़कर जाके जख्म पे बैठना उनका काम होता है। अल्फाजों का चुनाव रखें कि हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, उस बाप के दिल में क्या गुजरेगा, आगे जाके ये क्या सोचेंगे, दुनिया जो देख रहे हैं वो क्या समझेंगे,